भारत बंद के दौरान आरक्षण के मुद्दे को लेकर देश भर में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं भागलपुर में इसका मिलाजुला असर देखने को मिला, जहां सुबह से ही एससी एसटी के संगठनों के कार्यकर्ता और छात्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का विरोध कर रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि राज्य सरकारों को एससी एसटी समुदाय के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। इस निर्णय के विरोध में संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उनका मानना है कि यह निर्णय जनता के हित में नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दलित और महादलितों के बीच विभाजन पैदा कर सकता है, और उन्होंने सरकार से इस फैसले को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो आगे भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कुछ समर्थकों का यह भी कहना है कि यदि सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है तो उसे एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर संवैधानिक जो राज्यों को उपवर्गीय अनुसूचित जाति जनजाति उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित किया है उसके विरोध में है, और बिहार का जो हाई कोर्ट है उसने जो 65% आरक्षण को रद्द किया है उसके विरोध में है, और हम लोगों का मांग है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाले केंद्र सरकार, नहीं तो तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि वह 9वीं अनुसूची में नहीं डालता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है औचित्य नहीं बनता है कि वो जो है हमारा जो है एससी एसटी में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित करे। यह काम लोकसभा का है, राज्यसभा का है, वो लोकसभा से जो भी होना है, और राज्यों का भी अधिकार नहीं है। ये गैर संवैधानिक रूप से और ये जातिगत भावना से ग्रसित होकर के विद्वेष भाव से सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ऐसा फैसला दिए है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जोरदार जो है मुखालफत करेंगे हम लोग। और उसी के दरमियान आज पूरे भारत में जो है विभिन्न बहुजन संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग भी सामाजिक न्याय आंदोलन, बहुजन स्टूडेंट यूनियन, कुल अम्बेडकर युवा मंच, गुसाद उत्थान परिषद, धोबी महासंघ और मूल निवासी संघ, ये तमाम जो है रविदास महासंघ, तमाम लोग जो है संगठन के लोग यहाँ जो है हम लोग भारत बंद में सब लोग साथ। भागलपुर नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जब नगर आयुक्त और महापौर बैठक के स्थान पर सहमत नहीं हो सके। दरअसल नगर आयुक्त का मानना था कि बैठक नगर निगम के सभागार में होनी चाहिए, जबकि महापौर चाहती थी कि बैठक महापौर के चैम्बर में आयोजित हो। वहीं 21 अगस्त को निर्धारित इस बैठक के लिए बुधवार को जब सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य महापौर के चैम्बर में पहुंचे तो नगर आयुक्त अपने कर्मचारियों के साथ नगर निगम के सभागार में बैठ गए। इसके बाद दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। महापौर अपने चैम्बर में सभी सदस्यों के साथ बैठी रही, जबकि नगर आयुक्त अपने कर्मचारियों के साथ सभागार में बने रहे। दरअसल यह बैठक शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन स्थान को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण बैठक का आयोजन नहीं हो सका। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि जब नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठक के लिए स्थान ही तय नहीं कर पा रहे हैं तो शहर के विकास के लिए प्रभावी निर्णय कैसे लिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस गतिरोध का समाधान कब और कैसे होता है, ताकि शहर के विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आए। हाँ, सूचना प्राप्त हुई है तो चिट्ठी निकली थी बैठक की, यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी, लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि चैम्बर में दो लेटर मैंने दिया था कि चैम्बर में करने के लिए। जी जी, मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हो, और इसी तरह का हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे। विकास के लिए बाधित हो रही है सर? नहीं, विकास किसी प्रकार बाधित नहीं होगा, हम लोग विकास का कार्य तेजी से कर रहे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट किए, मीटिंग हॉल है, कई सारे मीटिंग में कर्मी रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, मीडिया के बंधु रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, तो जो वैशम है वो छोटा पड़ता है और वहाँ पर माइक की व्यवस्था नहीं है, टेबल कुर्सी पर्याप्त संख्या में उसमें छोटे कमरे में नहीं आ पाती है, और हम लोग यही रिक्वेस्ट किए हैं कि मीटिंग हॉल में मीटिंग किया जाए,
और आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे। स्टैंडिंग की बैठक थी और इस बैठक की सूचना हमने नगर आयुक्त साहब को 7 अगस्त को ही दे दी थी कि ये बैठक हमारे कार्यालय बेस में होगी, और उसके बाद भी लेटर निकलने के पहले भी हमने दिया है कि ये बैठक कार्यालय बेस में ही होगी। ये जो भी बैठक होती है वो महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो डिसाइड करती हैं कि बैठक कब होनी है और कहाँ होनी है। उन्होंने इसका अवहेलना किया, वो बैठक में नहीं आए। मैं इंतज़ार करते रही, मैं करीबन 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कार्यालय में आए और बैठक करें। ये बैठक नीति निर्धारण के लिए होती है, सशक्त स्थायी समिति की बैठक, इसमें नीति निर्धारित की जाती है कि कैसे काम होना है, किस तरह से काम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये टेबल पे बैठ करके हमारे 7 स्टैंडिंग के मेंबर हैं, तो आपस में विचार करके और ये बैठक पे जो भी निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए हमने इस बैठक को यहाँ कराने के लिए उनको निर्देशित किया था, और पहले भी जब से नगर निगम यहाँ बना है 2002 से ही ये बैठक महापौर के कार्यालय में ही होती है, सशक्त स्थायी समिति की बैठक, और ये भी यही होनी थी आज भी, लेकिन उन्होंने इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया। और इस तरह विकास के कार्य में वो बाधा बनेंगे तो कैसे हमारे शहर का विकास होगा? वो सारा विकास बाधित है, कुछ भी विकास नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि ये का जो जहाँ हम अभी बैठे हैं वो बिल्डिंग पूरी झरझर बनी हुई है। जनवरी से ही मैं लगी हुई हूँ कि इसका बिल्डिंग के लिए आप DPR बनवाएं, इस पर काम करवाएं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई काम नहीं करवाया है। इस तरह के अनेकों कार्य हैं, जैसे कि पिंक टॉयलेट ब्लू टॉयलेट के लिए हमने कई बार आवेदन दिया, कई बार हमने कहा, निर्देशित किया, और ये एजेंडा में भी लाया, ये पास भी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। तो विकास ये क्या करेंगे, बस यहाँ पर ये एजेंडा चला रहे हैं, यहाँ नहीं होगी वहाँ होगी। नीति निर्धारण की बात है तो महापौर के कार्यालय में ही ये बैठक होगी, और अगले बार भी ये बैठक महापौर के कार्यालय में ही होगी, ये मैं अभी भी बता रही हूँ। क्या लगता है मैडम, मैं सर वहाँ बैठे हुए, आप यहाँ बैठे हुए? उनको तो मैं बहुत पहले इन्फॉर्म कर दी हूँ कि ये बैठक महापौर के कार्यालय में, यदि उनको किसी तरह की बात करनी थी तो हमको बताते कि मैडम वहाँ हमको नहीं करना है, हमको वहाँ करना है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं, और सीधा जाकर के अपने सभा कक्ष में जाकर के बैठ गए, जबकि हमने निर्देशित किया है ये महापौर के कक्ष में होनी है बैठक। और यह डिसीजन महापौर का होता है कि बैठक कब होगी, कहाँ होगी, ये तय उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो किस अधिकार से बोलेंगे कि बैठक सभागार में होगी कि कहाँ होगी, उनका कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। मैडम 15 अगस्त को भी एक मामला आया था कुर्सी लगाने की बात की, लेकिन लगा नहीं मैडम। 15 अगस्त का भी जो मामला था उन्होंने उसमें लिख दिया था कि महापौर ने कुछ नाम नामित किया, लेकिन हमने कोई नाम नामित ही नहीं किया था। हमसे कभी उनकी बात ही नहीं हुई थी, ना कभी कोई सजेशन लेते हैं, ना कभी किसी तरह का अनुशंसा ली जाती है। यहाँ पे सब काम अपने मनमानी ढंग से करते हैं, वो मनमानी उनकी नहीं चलेगी ना। यहाँ पे जो उचित होगा मैं वही करूंगी, जो हमारे शहर के विकास के लिए जरूरी होगा मैं वो काम करूंगी, हमारे पार्षदों के हित में होगा वो मैं काम करूंगी। बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ भागलपुर में राजद के महिला कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। दरअसल यह मार्च स्टेशन चौक से शुरू होकर भगत सिंह चौक पर समाप्त हुआ। वहीं मार्च का नेतृत्व भागलपुर राजद महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल ने किया। इस मौके पर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या और भागलपुर में दवा व्यापारी बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया की गोली मारकर हत्या जैसी घटनाएं साबित करती है कि बिहार में अपराधियों का गुंडा राज कायम है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। आपराधिक घटना और खासकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और मुजफ्फरपुर में अभी नौनिहाल बच्चों बच्चियों के बच्ची की हत्या,
के खिलाफ में आज पूरे प्रदेश में और खासकर बिहार में महिला राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया है और इस कैंडल मार्च में मांग कर रही है महिला बिहार में जिस तरह महिलाओं पर जुर्म हो रही है इस जुर्म को करवाना नीतीश कुमार और राज्य सरकार बंद करो। जो जघन्य अपराध हुआ और जो मुजफ्फरपुर में नौ बालिक के साथ दुष्कर्म करके उसे हत्या कर दी गई उसके विरोध में हम लोग राजद से महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री से यही मेरा कहना है कि अपने कानून व्यवस्था को सही करें, अपराध को बंद कराने के अपने पुलिस वगैरह ये सब को सही करें। बार बार ये घटना होती जा रही, आज ये अभी कुछ दिन पहले हमने भागलपुर में भागलपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार रमन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के अथक प्रयासों से यूपीएससी भर्ती की सीधी प्रक्रिया में रोक लगाने में सफलता मिली है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने केंद्रीय सरकार द्वारा यूपीएससी में लैटरल एंट्री के माध्यम से की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया था और उनकी मांग थी कि सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद इस प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिसका पार्टी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है और यह फैसला दलितों और पिछड़ों के पक्ष में है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव पीयूष पासवान, सौरभ तिवारी, प्रधान महासचिव मुकेश सिंह, आशीष कुमार, सौरभ सिंह, अमित पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व से ही हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान का पक्षधर है। मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के अथक प्रयास से यूपीएससी भर्ती के सीधी प्रक्रिया में रोक लगाने में सफल हुई है। केंद्र सरकार द्वारा यूपीएससी में लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी कभी पक्षधर नहीं रही है। मेरी मांग थी कि कोई भी सरकारी नियुक्तियाँ आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप पर इस प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जिसका मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार समाज में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है। ऐसे में यह फैसला दलितों और पिछड़ों के पक्षधर में है। यह फैसला प्रधानमंत्री जी के सामाजिक न्याय के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए मैं पूरी टीम भारत सरकार के आदरणीय सम्मानित श्री चिराग पासवान जी एवं आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। भागलपुर पीरपैंती थाना।
क्षेत्र में मंगलवार को चालुम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने की। वहीं चालुम पर्व के आयोजन को लेकर क्षेत्र के विभिन्न इमामबाड़ों के मुजाविर ने अपनी अपनी बात रखी। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने सभी को शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की और कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पर्व का आयोजन निर्धारित समय सीमा और स्थान के भीतर करने का निर्देश दिया है। बैठक में मानिकपुर मुखिया अरविंद शाह, मोहम्मद कबलैन, घनश्याम दास, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अफसार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।